गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आप सब कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हेल्दी एंड टेस्टी क्यूकम्बर मिल्कशेक। आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। आज की मेरी इस वीडियो में आप देखेंगे कूल और रिफ्रेशिंग मिल्कशेक। क्यूकम्बर मिल्कशेक को बनाना बहुत आसान है, प्लस ये सुपर हेल्दी भी है। ये आपके बच्चों को भी पसंद आएगा, इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, इसे बनाना शुरू करते हैं। मैं अभी आई हूँ किचन में। सबसे पहले हमें चाहिए ठंडा दूध। दूध को मैंने पहले से उबाल के ठंडा करके रखा है। और हमें चाहिए कॉन्डेंस मिल्क। आप चाहे तो मिल्क क्यूब्स भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ चिल्ड मिल्क। और हमें चाहिए काली मिर्च के पाउडर और लिए हैं सेंधा नमक। सेंधा नमक मिल्कशेक की मिठास को बैलेंस करेगा। आप चाहे तो सेंधा नमक की जगह कोई भी नमक यूज़ कर सकते हैं। और हमें चाहिए इलायची पाउडर। सारे सामग्री को इकट्ठा कर लिए। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे इसे बनाना कितना आसान है। अपने परिवार के लिए इसे ज़रूर बनाएं। ये मिल्कशेक बच्चे और बड़े सभी को पसंद आएगा। तो आप इस रेसिपी को घर पर ज़रूर बनाएं। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलते हैं फ्रेंड्स तैयार करने के प्रोसेस में। अब मैंने लिए है एक खीरा यानी क्यूकम्बर। इसे अच्छे से धोकर रखी हूँ, देन पील एंड चॉप। सबसे पहले खीरा की छिलका हटा देते हैं, फिर इसे छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। पील सैलड क्यूकम्बर कट इट इनटू स्मॉल पीसेस। अब खीरा को काट लेते हैं। पहले इसके दोनों किनारे अलग कर दिए हैं, फिर इसे मिडिल की तरफ से चीरा लगा दिए हैं और एक बार चीरा लगा दिए हैं। फिर इसे टर्न करके छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं। अब लिए हैं ग्राइंडर की जार, इसमें दिए हैं छोटे छोटे पीसेस में काटे हुए खीरा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी सेंधा नमक, फिर हम इसमें थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल देंगे और इसके बाद थोड़ी सी काली मिर्च के पाउडर। अब हमें लेना है कॉन्डेंस मिल्क। कॉन्डेंस मिल्क से इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच कॉन्डेंस मिल्क। पहले 1 टेबल स्पून कॉन्डेंस मिल्क दिए हैं, तो एक कॉन्डेंस मिल्क डाला मैंने। फिर और 1 बड़े चम्मच कॉन्डेंस मिल्क लिए हैं यानी 2 टेबल स्पून कॉन्डेंस मिल्क डाले हैं। इसमें हम चीनी नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि कॉन्डेंस मिल्क का टेस्ट बहुत स्वीट होते हैं। अब जार का ढक्कन बंद करके इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। खीरा को अच्छे से ब्लेंड कर लिए हैं। अब हमें चाहिए कुछ आइस क्यूब्स। आइस क्यूब्स को इसमें डाल दिए हैं, फिर से और एक बार ब्लेंड कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें ठंडा दूध डाल देंगे और दूध डालने के बाद बस जार का ढक्कन बंद करके और इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। और एक हमारा मज़ेदार खीरा मिल्कशेक रेडी हो चुका है, जिसे बनाना बहुत आसान है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। सर्व करने के लिए सर्विंग ग्लास लिए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे खीरा मिल्कशेक। लास्ट में इसके ऊपर गार्निश के लिए लिए हैं कुछ पिस्ता, इसे क्रश कर लेते हैं। यहाँ पे मिल्कशेक के ऊपर क्रश किए हुए पिस्ता डाल दिए हैं। इसके ऊपर डाल दिए हैं क्रश पिस्ता। इसमें टेस्ट भी अच्छा आएगा और दिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। और ये हमारा मज़ेदार ठंडा ठंडा कूल कूल खीरा मिल्कशेक बनकर रेडी हो चुकी है। तो ये हमारा हेल्दी खीरा मिल्कशेक बनकर रेडी है सर्व करने के लिए। इसे ठंडा ठंडा सर्व करें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ
खीरा मिल्कशेक रेसिपी आपको पसंद आया होगा। अपने परिवार के लिए आप इस रेसिपी को घर पर जरूर बनाएं। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।